उत्तर प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं, कम से कम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार तो यही कह रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर योगी सरकार के मुख्य सचिव ने प्रदेश के जिलाधिकारियों को 24 पन्ने का एक आंकड़ा भेजा है, जिसमें लिखा है कि मार्च 2017 से जुलाई 2018 के बीच यूपी पुलिस ने 3026 एनकाउंटर किए। 3026 एनकाउंटर में 69 अपराधी मारे गए। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था पर अपनी पीठ थपथपा रही है, मगर विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव इसी एनकाउंटर पर योगी सरकार को घेर रहे हैं। अखिलेश जी, एनकाउंटर के लिए 26 जनवरी को योगी सरकार ने अपनी उपलब्धि बताकर इस बार जनता वोट से इनका एनकाउंटर करेगी। सिर्फ अखिलेश नहीं, उनकी पूरी की पूरी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो रहे ताबड़तोड़ एनकाउंटर को फर्जी साबित करने में लगी है। लोगों को अपराधी बता करके प्रदेश सरकार के आदेश पर उनका इनकाउंटर हुआ है। राजनीतिक विद्वेष और बदले की भावना से अनेक स्थानों पर मासूम लोगों की फर्जी इनकाउंटर में हत्या करी गई है। समाजवादी पार्टी चाहे जो कहे, मगर योगी आदित्यनाथ हर मंच से यही कह रहे हैं कि उनके राज में अगर बदमाशों ने अपराध का रास्ता न छोड़ा तो उनका एनकाउंटर निश्चित है। मुंबई में तो योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के विरुद्ध अपने इरादे एक बार फिर जाहिर कर दिए। कल आपने यहाँ पर आपके ATS ने कुंभ में खलल डालने के लिए कुछ आतंकी कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन आपने उनको यहीं पे पकड़ लिया। वैसे वे उत्तर प्रदेश में घुसते तो मैं उनको उत्तर प्रदेश की सीमा पे निपटा देता। इसमें कोई शक नहीं कि योगी सरकार के आने के बाद उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर बढ़े हैं, मगर जिस तरह से विपक्ष इन एनकाउंटर्स को फर्जी साबित करने में लगा है, उससे एक बात तो साफ है कि एनकाउंटर के मुद्दे पर राजनीति भी और गरमाएगी।